वेलकम बैक टू द पावर पॉइंट डिजाइनिंग मास्टर क्लास अभी तक हमने फाइल होम इंसर्ट डिज़ाइन ठीक है ये सारे फीचर्स के बारे में हमने एक प्रैक्टिकल वे प्रैक्टिकल अप्रोच से हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की है लास्ट uh, टाइम हमने जो बात की थी कि अलग अलग डायरेक्टली कॉपीराइट कैसे करते हैं पी की अलग अलग वेबसाइट पर जो ऑलरेडी वेल डिजाइन पी अवेलेबल है उसको सिंपली डाउनलोड करके हम उसको कस्टमाइज करके अच्छे से कैसे बना सकते हैं हम उस, उसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी आज हम सीखने वाले हैं उसका अमेजिंग मीन्स पीपीटी का एक अमेजिंग फीचर है विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन सो द क्वेश्चन इज वाई डू वी वीवाइड ट्रांजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज सी ट्रांजिशन क्या करता है हमें मोशन देता है ठीक है मोशन इन द सेंस कि सी uh, uh, अगर मूवी के अंदर एक ही शॉट चल रहा है पूरा एक ही शॉट में मूवी हो रही है सो आफ्टर सम टाइम हम बोर हो जाएंगे एंड सेम थिंगनिंग ओर हियर एंड देस वाई ट्रांजिशन फ्यूचर इज़ रियली रियली इंपोर्टेंट बिकॉज ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है यहाँ पर एक मोमेंट uh, आती है और वो मूमेंट की वजह से पी पी टी के अंदर एक लाइवनेस आ जाती है एंड दैस वाई ट्रांजिशन इज रियली रिक्वायर्ड सो लेट्स एक्सप्लोर वर्ड इज दिस जो ट्रांजिशन फ्यूचर है वो किस तरह से हम यूज़ uh, करते हैं इन द पी पी टी सो लेट्स so first of all uh, i'm just writing any sentence over here or later just uh, about our institute name like talent education zone okay and uh, <clears throat> i'm just inserting the okay uh, also let me then basic 2 ठीक है uh, मैं यहाँ पे लोगो इंसर्ट कर देता तो हूँ मेरा मैं हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो हेयर बट गो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट इमेज जस्ट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर ओके एज यू कैन सी यहाँ पे ऑटो auto, ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिजाइन आ रही आ गई है बट आई जस्ट वॉन्ट टू कस्टमाइज इट सो एज यू कैन सी इसका जो बैकग्राउंड है ठीक है वो ब्लैक है सो आई वुड लाइक टू हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड इफ यू वॉन्ट टू एड स्पेसिफिकली तो आप इसकी पी फाइल है पी यानी कि ऐसा फॉर्मेट जिसके बारे में हमने बात की थी पहले कि पी फाइल में आपका जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा निकल जाता है एकदम ये जो आपको दिख रहा है मेन लोगो सिर्फ वही रहेगा यहाँ पे वो ऑप्शन है जो हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर रिमूव बैकग्राउंड आप देख रहे हो वैसे यहाँ पे बट यहाँ पे आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा सो so, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बट अगेन ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ अभी मेरे दो अलग अलग लोगो है ठीक है तो मेरा एक पी फॉर्म में भी रहता है सो आई वुड लाइक टू हैव दैट वन मी वन मे एंड वी आर ब्रिंगिंग दैट अमेजिंग फोटो हियर द पी एन जी फाइव Because I have lots of other files. Yeah, I got it. So as you can compare, okay. Hmm, it's over here. So basically, ये जो है लोगो वो एक PNG एच ई फाइल है आप देखोगे उसके बैकग्राउंड में आपको ये पीछे का जो लेटर्स है वो भी दिख रहा है बट इसमें वो नहीं हो रहा है ठीक है तो ये थोड़ा इमेज जो है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच आउट हो रहा है सो लेट्स सी किस किस तरह से इसको हम कस्टमाइज करते हैं अभी सो so, एज आई uh, मैंने सर ओके कि मुझे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में चाहिए सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट शेप और वी गो जस्ट मेक श्योर कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो सारी कवर हो गई हो ओके बिकॉज सी यू विल सी दैट रेड लाइन पॉपिंग ओवर दाइड सो आई एम जस्ट गिविंग द ग्रेडियंट थोड़ा ग्रेडियंट दे देते दे इसको आई है like थोड़ा ब्लैकिश कलर ले लेते हम कलर में जाइए फिल एंड को हम ले लेंगे यहाँ पे प्योर ब्लैक कलर बीच में जो ब्लू है वो थोड़ा हम उससे लाइट ब्लैक रखेंगे बिच वाला और यहाँ पे उससे भी थोड़ा लाइट सो आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट लुक शाइनी ओवर हीयर आई एम ब्रिंगिंग द टेक्स हियर। अभी एज यू कैन सी ये इन फ्रंट है अभी हमें उसको बैक ले जाना है अरेंज में जाके सेंड टू बैक वाह राइट सो यहाँ पे अभी जैसे कि आपको कलर मैच नहीं हो रहा है तो वॉट यू कैन डू पीछे का जो बैकग्राउंड है आई हैव सिलेक्टेड दैट पार्ट सो so, यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो लोगों के पीछे है वो उसमें दो ही कलर मैंने लिए हैं तो आई जस्ट रिमूव द थर्ड वन वॉट यू कैन डू हियर यू कैन जस्ट सिलेक्ट आई ड्रॉपर हियर ओके यू कैन सिलेक्ट दिस पार्ट फर्स्ट एंड इन दिस यू कैन सिलेक्ट दिस पार्ट आई जस्ट सेलेक्ट द फॉन्ट कलर एंड वी गो ठीक है अभी ये इमेज छोटी है तो वो थोड़ा रहेगा बट आई थिंक इट्स लुक गुड ओवर हियर क्योंकि वो एक थ्री लुक देता है यहाँ पर बट आपको अगर एग्जिट करना है तो बहुत थोड़ा लाइक औरल कॉम्बिनेशन आपको उस तरह से चूज करना पड़ेगा थोड़ा ट्राई करते उसके एकदम थोड़ा नज़दीक जाने का सो so, यहाँ पे एक्चुअली मैंने टॉप पार्ट में थोड़ा बोल लिया है ठीक है तो मुझे ग्रेडियंट है वो यहाँ पे इस यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस टॉप पे वो ज़्यादा ब्राइट है तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछा है तो एज़ यू कैन सी वो जो टॉप वाली डायरेक्शन वो अभी उतना अगर पता नहीं चल रहा था अभी के लिए वाइट बैकग्राउंड ले लो ठीक है एंड यू विल सी द डायरेक्शन और हियर सी तो ये वाली डायरेक्शन हमारी मेन है और यहाँ पे थोड़ा राउंड कट दिया है बट इट इज इट इज़ ओके फॉर नाउ ओके आई एम सिलिंग थिंग डेट पार्ट ओवर हियर एंड इन द बॉटम और कहीं पर लग रहा है कि आपको थर्ड भी लेना है ठीक है तो अभी अब अभ, ये दो मैच हो गए बट ये पूरा उसकी जो साइज है वो अकॉर्डिंगली थोड़ी अनियमन है तो यहां पर थोड़ा दिक्कत होगा ओके okay. तीसरा भी लेके हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि अगर कुछ इसमें ऑलमोस्ट इमेज okay, जो है उसके अंदर मर्ज हो रही है बट अगेन जैसे कि मैंने बात की थी थोड़ा थ्री डी uh, वो रहेगा बिकॉज नीचे एग्जेक्ट आपको अंदर दिखेगा बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो जाएगा तो आई कैन ऑल्सो पुट दिसो हियर द स्मॉल वन ओके एंड All right, so you can see this part. So you can still do that, okay? If I'm adding uh, one more, so it almost closes the gap. या uh, yeah, बीच में थोड़ा वो राउंड ऑफ का वो दिक्कत आ रहा है बट आई थिंक दिस वन लुक्स ऑल्सो गुड क्योंकि वो एकदम मर्ज हो रहा है ऐसी सिचुएशन uh, है वहाँ पे ठीक है ओके सेंट टू बैक हो गया अभी हमारा ये ये भी हम उसको यहाँ पे रखते हैं ठीक है अभी हमने जो यहाँ पे लिखा था वो सारे फ़ोंट्स यहाँ पे तो अभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं अब अगर आपको पता नहीं चल रहा है वो ब्लैक में मर्ज हो जा रहा है यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल ए और यहाँ पे सारा वो पॉपअप हो जाएगा तो बाय दिस व्यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट वो यहाँ पे कलर कॉन्ट्रेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सो वाइट वाइट कलर ले लेते हैं ओके सो ये यह यहाँ पे अभी हो जाएगा हमारा टैलेंट एजुकेशन जोन और ये यह यहाँ पे लिखा हुआ है हमने बट स्टिल अगर मुझे थोड़ा बड़ा करना है इसको ओके और यहाँ पे आता है हमारा ये मैं आपको नई स्लाइड में ले लेता हूँ तो वही बैकग्राउंड के साथ हम करते हैं ये पार्ट और इसको गेन जैसे की बात की थी मैंने सेंट टू बैक इसको सेंटर में ले लेते हैं थोड़ा बड़ा ले लेते हैं बोल्ट सेम हेयर सेंटर एंड बोल्ट एज यू कैन सी यहाँ पे वो डॉट आगे आ रहा है वो हमें रिमूव करना है ठीक है सो सबसे पहले इसका सेंटर में ला लेते हैं और ये हमें डॉट जो है यहाँ से वो हमने माइनस कर दिया इसको अंडर कर लेते हैं ठीक है अभी थोड़ा मुझे आउट ऑफ सेंटर लग रहा है राइट hmm. right? एक आपको ऐसे रेड रेडलाइंस बहुत सारे दिख रहे हैं, राइट वो आपको गाइड कर रही है बेसिकली सो so, यहाँ पे अभी मान लो कि दो स्लाइड हो चुकी है और ये जो एक्स्ट्रा है वो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो ओके एक करके कर, कर लेते हैं पीछे का हो गया सिलेक्ट या गो yes, ओके okay, तो ये सेंटर में अभी मुझे ये दो पीपीटी का वो ट्रांजिशन करना है ठीक है सो ट्रांजिशन फ्यूचर में बहुत सारे अलग अलग होते हैं जैसे कि हाउ टू मॉर्फ यर्स स्लाइड सो आप एज यू कैन सी एकदम अलग तरीके से आया है राइट right? अभी इसमें जो मेन चीज़ है वो जो आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑप्शन है मिस आप किस तरह से वो वर्ड को इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं और यहाँ पे वो है वो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इम्पेक्ट आ सकता है तो पहले मोफ यूज़ करते हैं ठीक है तो ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अभी पूरा साउंड अगर आपको डालना है कुछ बॉम्ब फ्रीज कैमरा तो अभी मैं कैमरा जैसे लेता हूँ ड्यूरेशन क्या रहेगा ये सेकंड में होता है सो टू सेकंड 1.75 जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो अप्लाई टू ऑल मीन्स वही टाइम सब में हो जाएगा तो अभी के लिए मैंने सब में अप्लाई कर दिया है यहाँ पर बोला है कि ऑन द माउस क्लिक कि कुछ सेकंड के बाद चालू करना है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से तो मैं यहाँ पे अभी ऑन द माउस क्लिक रखता हूँ ठीक है बाद में आपको अगर आपको करना है कुछ सेकंड के बाद तो भी आप ऑटोमेटिकली वो कर सकते हैं ये हुए है हमारे बेसिक फीचर्स ओके कि किस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं अभी देखते हैं इसका लुक कैसा आता है लेट्स सी फ्रॉम बिगिनिंग राइट एकदम मूवी ट्रेलर चल रहा हो इस तरह से वो पूरा आएगा अभी मैंने क्लिक की पिक क्लिक के ऊपर रखा था जब मैं क्लिक करूँगा तभी उसकी हमारी सेकेंड स्लाइड पॉपअप होगी बट अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी ठीक है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके सो so, ये हमने निकाल दिया सो लेट्स सी अभी आवाज़ का वो आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा तो आपको वहाँ पे वो कैप्चर की आवाज़ आएगी एनिमेशन सॉरी स्लाइड शो में जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग सो यहाँ पे आपका आ गया नाउ आप क्लिक करोगे वो आगे जाएगा बट हमने क्लिक का ऑप्शन तो रखा नहीं था यहाँ पे तो अभी वो क्लिक से क्यों हुआ राइट right? सो so, यहाँ पे आपको सॉरी ट्रांजिशन यस तो ये जो ड्यूरेशन है ठीक है वो हमारा जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो आगे की स्लाइड नहीं आएगी ठीक है तो अभी इसको मैं एकदम uh, कर लेता हूँ सेकंड में ये हुआ हमारी एकदम सेकंड का भी हाफ हुआ ठीक है अभी लेट्स सी किस तरह से यह आता है लेट सो फ्रॉम बिगिनिंग और कम कर देते टाइम अभी भी थोड़ा ज़्यादा है चलो एंड यू हर्ड दैट वॉइस ओके क्योंकि वो तुरंत आ गई अभी नाउ ट्रांजिशन अभी मुझे वो साउंड ट्वेंटी सेवेंटी फाइव सेकंड के बाद चाहिए ठीक है इट्स जस्ट यू विल गेट रियलाइज कि वो तुरंत कितना आ जाता है और ये टू मैंने ऑल कर दिया ये माउस क्लिक से मैंने बटन हटा दिया और यहाँ पे भी मुझे बटन हटाना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड सो फ्रॉम बिगिनिंग सो नाउ आई एम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग यू हॉट दैट वॉइस राइट सो वो सेवेंटी फाइव हमने जो सेट किया था वो उसके बाद आता है तो इट इज लाइक सेकंड का भी वो जो पार्ट है उस तरीके से वो डिवाइड होता है ठीक है एंड अगेन uh, एक एक स्लाइड पे वो चेंज होता रहेगा क्लियर सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रांजिशन फीचर्स जो हम बात करने वाले हैं राइट wow. के एनिम ट्रांजिशन में जाते हैं अगेन कैमरा की जगह पे विन का कर लेते हैं और अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं ठीक है अब जब वो देने वाले होते हैं फील तब भी आप वो यूज़ कर सकते हो जब ये ओपन होता है ठीक है वो मैंने एक्चुअली सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो वहाँ पे नहीं आया अभी फेड वाला किया था अभी दैट्स वाई बट आप अपने हिसाब से जो भी करने के बाद एक रिवील करना है सो देर आर मैनी फैक्ट्स यू कैन जस्ट यूज एंड मेक योर योर नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आप जैसे जैसे करोगे आपको बहुत सारे आइडियाज आते जाएंगे किस तरह से ये काम करता है ओके okay. बट uh, इसको प्रॉपर वे यूज़ कैसे करना है वो जब हम पीपीटी का वो पूरा जब मॉडल देखने वाले, तब मैं आपको सब कुछ वो साथ में ही बताऊँगा बिकॉज uh, सी अभी क्या होता है कि आप सारे फीचर्स के बारे में जान लो पहले फिर जो मेन मेन फीचर्स है जो अच्छे अच्छे फीचर्स है वो हम कैसे यूज़ करते हैं उससे एक अच्छी पी कैसे बनाते वो सब हम बाद में बात करेंगे बट आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो कि एक सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए कि सारे फंक्शंस है वो एक एक करके कैसे काम करते हैं एंड दैट्स द मेन पार्ट अगर आपको नहीं देना है कोई पीपीटी uh, पी को एनिमेशन तो आप जस्ट वहाँ पे नाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से ये यह पूरा uh, यहाँ का हमारा ट्रांजिशन uh, फीचर है तो ये इसकी ब्यूटी इसलिए अभी आपको ज़्यादा दिख नहीं रही होगी बिकॉज़ यू हैव द यहाँ पे हमारा सेम कलर्स है बट जब बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं अलग अलग पीपीटीज होती है आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ जब करोगे ना तब आपको थोड़ा पता चलेगा कि ये किस तरह से ट्रांजिशन फीचर हमारा यूज़ होता है ठीक है जैसे कि अभी मैं कुछ ऐसे फ़ोटोज़ लेके ट्राई करता हूँ रैंडम आई एम जस्ट इंसर्ट इंसर्टिंग इंसर्ट इंस फ्यू फोटोज़ ताकि आपका साथ में रिविजन भी हो जाएगा तो इमेज हम यहाँ से स्टॉक इमेज में ले लेता हूँ जो ऑडी उनके पास रहती है ठीक है अभी मैं कुछ ले लेता हूँ ये है फ़ोटो दो तीन चार पाँच और कुछ ये ले लेते हैं ट्रैवलिंग वाला थोड़ा लुक आ जाएगा ओ राइट सो मैंने अभी यहाँ पे टोटल नाइन इमेजेस लिया है ठीक है अभी वो इंसर्ट कर रहे एक एक करके अ हाई क्वालिटी इमेजेस एक्चुअली ठीक है तो मैं इसको भी एक एक करके एक एक स्लाइड में जाने देता हूँ थोड़ा हैंग हो रहा है लैपटॉप अभी ठीक है तो अभी मेरा ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रहा है तो मैं फटाफट -फड़ से वो कर देता हूँ ठीक अभी इतनी रखते हैं बाकी का देख लेते हैं। वी गो सो so, मैं अभी ये सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से इसको थोड़ा अलग लुक लिख देते हैं ये वाला दे देते हैं ये चले आ जाओ कमन कमॉन कमा फास्ट इसमें ले लेते हैं ये वाला ले लेते थोड़ा और इसमें ये वाला लेते चलिए ये बाक, बाकी है अभी सो टोटल नाइन हमने लिया था अभी यहाँ पे सब साथ में ले रहा है तो ले लेता हूँ ठीक है यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो अभी मैं लिखता हूँ जैसे कि अक्षय बटेल राइट सो जस्ट क्लोजिंग दिस विंडो यहाँ पे और भी डिज़ाइन आएगी ठीक है और ऑटोमेटिकली यहाँ से जो एनिमेशन है वो सब ऑटोमेटिकली लेंगे देखा आपको यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है ट्रांजिशन का एनिमेशन का तो वो डायरेक्टली ले लेते हैं अपने हिसाब से कि कौन सा सूट हो रहा है कौन सा बढ़िया दिख रहा है अभी आगे वाले एक अच्छा था वो निकल गया चलो कोई बात नहीं अभी मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली उन्हें, उन्हें सेलेक्ट किया है तो वो भी मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट में अभी मुझे देना है मैं आपको वो बता देता हूँ सो जैसे कि अभी ये हमारा हो गया ठीक है अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोफ तो मोफ स्लाइड्स कैसे करते हैं उसका डिटेलिंग है इसके बहुत बहुत वाइड यूज़ है जो भी आपको मैं यहाँ पे इस मोमेंट पे भी नहीं दिख सकता ना और वो हम बात करेंगे श्योर अभी यहाँ पे मुझे देना है स्प्लिट ऑप्शन या तो रिवेल मैं रिवेल कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे आ, ये वाला बाकी गया है hmm. थोड़ा सेट दे देते इसको इसका अभी मस्ट रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बट आप अपने हिसाब से फिर देख लेना ठीक है अभी आपको मैचिंग दिखाता हूँ इसका फ्रॉम बिगनिंग यहाँ पे मैंने क्लिक का वो ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो वो एक, एक करके क्लिक करना होगा ठीक है सो so, एक पूरी मोमेंटम दिख रही राइट अब इसके अंदर साउंड भी डाल सकते हो जैसे कि हमने आगे भी बात की थी

और ऑडियो फ्रॉम योर पी भी आप अपलोड कर सकते हो तो ये हो सके यस ठीक है वो वीडियो में मैंने पूरा डेमोस्ट्रेशन करके बताया तो आप पूरा वो वीडियो अवेलेबल है तो आप वहाँ से देख सकते हो क्लियर ग्रेट yes. सो यहाँ तक रखते हैं अभी आज का और ट्राई कीजिए एंड नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों को यूज़ करके एक अच्छी पीपीटी बनाएंगे राइट फिर बाद में एक लाइक फ्रॉम द स्क्रैच एक अच्छी पी पी कैसे बनाते हैं वो करना है एंड कैनवा डिजाइनिंग के थ्रू अलग अलग फ़ोटोज़ uh, या तो स्लाइड्स लेके कैसे उसके अंदर भी पी बना सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर करने वाले हैं राइट सो जस्ट वाई दिस आउट मिलते हैं अगेन नेक्स्ट ट्यूजडे एट सेवन पी एम राइट सी एवरी वन नाउ